जय जी। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। कल हम 24 दंडक के जीवों में शुभ और अशुभ पुद्गल की बात कर रहे थे, तो नारकी के जीवों के अशुभ पुद्गल की बात हुई थी। अब महर्द्विक देवों की बात है। महर्द्विक देवों की भाषण शक्ति, उनकी बोलने की शक्ति और भाषा की शक्ति। तो महर्द्विक देव और महासुखी देव हजार रूपों की विकुर्वणा करने में और हजार भाषा बोलने में समर्थ है। आपके सामने कोई महर्दिक देव कोई दूसरा रूप लेकर आए और कोई भी भाषा में वो बात कर सकता है, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब हम कभी कभी किसी को देखते हैं, वो बोलते हैं, उनकी बातें हम सुनते हैं, हमारे सामने खड़े हुए देखते हैं, वो कुछ हमसे मांगते हैं, हम उनको देते भी हैं, और कुछ ही क्षण के अंदर, कुछ समय के बाद हमको लग रहा है कि वो कहाँ चले गए, मालूम ही नहीं पड़ा। मतलब वो बिल्कुल अदृश्य से हो जाते हैं, आप उनको जाते हुए भी देखते हैं और अदृश्य हो जाते हैं। उन्होंने आपसे बातचीत भी की है तो ऐसे वो हजारों भाषा बोलने में समर्थ, कोई भी भाषा बोल सकते हैं, किसी से भी वो बातचीत कर सकते हैं। तो हमारे सामने अगर कोई ऐसे महर्षि देव आ जाए मनुष्य का भेष लेके, तो भी हमको मालूम नहीं पड़ेगा। जो लौकिक शास्त्र है उसमें भी ऐसी बहुत सी बातें हैं कि चंद्र ने वो देवर्षि का रूप लिया और जो दमयंती थी उसका शील भंग किया। चंद्र इंद्रदेव ने सॉरी इंद्रदेव ने इंद्र ने इंद्र आए और उन्होंने वो देवर्षि वशिष्ठ थे शायद वशिष्ठ, और उनका रूप लिया और अरुंधति का शील भंग किया, और शील भंग करके वो देवर्षि के ही रूप में वो वहां से चला भी गया और चंद्र ने उसको देख लिया, चंद्र ने जाते हुए उसको देख लिया था। और उसके बाद जब महर्षि आए तब दमयंती अरे अनु अरुंधति ने पूरी बात बताई और तब देवर्षि को गुरु वशिष्ठ को इतना क्रोध आया कि उन्होंने उसको श्राप दे दिया और वो बन गए पत्थर। और शायद मैं नाम में गड़बड़ कर रही हूँ, अहल्या थी शायद, अहल्या पत्थर बन गए थे। और राम जब वन में आए और उनका पैर वो पत्थर को लगा तब वो स्त्री के रूप में वापस आए। तो ये लौकिक जो स्टोरी है उसमें भी यही बात है कि इंद्र ने बिल्कुल उसके पति का ही रूप लिया और वो सती से भोग किया और उसको अपवित्र किया। तो इस प्रकार से जब भी कोई इंद्र आसपास या कोई भी देव, महर्द्विक देव की बात है, इंद्र की बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये महर्द्विक देव की बात है। जैसे सूर्य इंद्र चंद्र इंद्र, सूर्य चंद्र इंद्र ने भी ऐसी बहुत सी बातें की है। उन्होंने गुरु की पत्नी तारा से ऐसे अवैध संबंध बांधा और उनसे जो उनको बेटा हुआ उसका नाम ये बुध ग्रह है। इस प्रकार से भी लौकिक में स्टोरी है। तो हमको ये जानना आज बताने की जरूरत इसलिए पड़ी कि इस प्रकार से महर्द्विक देव आते हैं आकर, क्योंकि उनको भोग के रूप में शरीर को भोगना, मनुष्य के शरीर में आएंगे तो ही मिलेगा उनका जो भोग है। वो हमने अभी 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 देखा पिछले एपिसोड में कि मन प्रविचारी काय प्रविचारी उनका भोग होता है। वो भोग प्रविचारी भी होते हैं, पहले दूसरे देवलोक के देव तो भोग प्रविचारी होते हैं, काय प्रविचारी होते हैं, लेकिन काया ही नहीं है, काया ही वैक्रिय है तो संतुष्टि मिलेगी ही नहीं। मनुष्य तिर्यंच जो भोग करके जो संतुष्टि ले सकते हैं वो भोग देव को कभी नहीं मिलेगा क्योंकि उनके पास वैक्रिय शरीर है, बिल्कुल आभासी शरीर, हमारा जैसा पुद्गल का वो शरीर ही नहीं है। तभी आप देखोगे आपको बहुत ही सरप्राइज होगा, प्राणियों में भोग की मात्रा बहुत देखने को मिले। उनको ही कुछ काम तो है ही नहीं, कोई थिंकिंग ही नहीं है, कोई दिशा ही नहीं, कोई सूचन ही नहीं, खाया पिया और भोग किया बस और कुछ नहीं, बराबर। तो ये तो उनको तो कोई सिखाने भी नहीं जाता, अपने आप उनका भोग शुरू हो जाता। तो यही कारण है, यही बात है कि
देव योनि में से जा, आप मनुष्य में और तिरंश में जाओगे तो वहां जो भोग नहीं मिला है उसकी अतृप्ति यहाँ आते ही मनुष्य और तिरंश में वो बढ़ जाती, क्योंकि नरक और देव को तो भोग मिलता ही नहीं है। विषय सुख का अनुभव वैकरी शरीर को कभी नहीं मिल पाता, इसलिए वो अतृप्त ही रहता है ये मामले। आओ, तो वो हजारों रूप की विकुरुणा तो कर सकते हैं, लेकिन हजारों भाषा भी बोल सकते हैं। किसी भी सामान्य मानवी के पास जाकर अगर वो संपन्न देव अपनी भाषा शक्ति को प्रदर्शित करे और भाषा से उसको पकड़ में ले ले और भाषा से उसको मोहित कर ले और भोग कर ले, इसकी पूरी पूरी संभावना है, पूरी संभावना है। आओ, भाषा वो हजारों रूप की करे, हजार भाषा बोले, लेकिन एक ही भाषा कही जाती है। क्यों? क्योंकि कोई भी जीव एक समय में सत्य आदि किसी भी एक ही भाषा का प्रयोग करता है। आप कभी भी जब भी बोलोगे तब एक ही भाषा का प्रयोग होगा ना, इसीलिए ठीक है, बस चाहे वो हजारों भाषा में बोले लेकिन कहा जाएगा एक ही भाषा का प्रयोग। तो एक जीव के एक उपयोग से बोली हुई होने के कारण भाषा एक ही कही जाती है, उनको हजार भाषा नहीं कही जाती। मगर जो लैंग्वेज है जिसको हम आज की भाषा में बोल सकते हैं, आज के समय में, कि अलग अलग गुजराती, हिंदी, मराठी, ऐसी ऐसी बोली, अलग अलग देश की बोली वो बोल सकते हैं। आओ, अब सूर्य की बात की है। सूर्य को देखा, गौतम स्वामी ने देखा, कैसा सूर्य को, तो उस काल में, उस समय में तत्काल उदित हुए, सूर्य तत्काल उदित हुआ, वो कैसा लग रहा था? जासू मन नाम के वृक्ष के फूलों के पुंज के समान लाल, ऐसे उगते हुए सूर्य को देखा। और ऐसे सूर्य को देखकर गौतम स्वामी को एक जिज्ञासा हुई और उन्होंने प्रश्न किया, भगवान के पास गए और प्रश्न किया कि ये सूर्य क्या है जो उदित हुआ है, वो क्या है, वो बिंब ऊपर चढ़ा है, वो क्या है, उसका अर्थ क्या है? तब प्रभु ने जवाब दिया, हे गौतम, सूर्य शुभ पदार्थ है, सूर्य का अर्थ भी शुभ है, उसकी प्रभा भी शुभ है, उसकी छाया और उसकी लेशिया वो भी शुभ है। बराबर, सूर्य का अर्थ ही शुभ है, क्योंकि सूर्य विमान के में जो भी पृथ्वी का एक जीव वर्तित है वो आतप नाम कर्म रूप पुण्य प्रकृति के उदय से वहां है, वहां स्थित है, और वो अपना शरीर का प्रकाश, आतप का अर्थ ही है तपना, बराबर, प्रकाशित होना, तो वो जो अपना शरीर का प्रकाश है वो फैला रहे हैं। लोक में भी सूर्य को प्रशस्त ही माना है, उत्तम ही माना है। तो उस विमान में रहने वाले ज्योतिषी देवों का इंद्र ही सूर्य है, सूर्य इंद्र है, इसलिए सूर्य इंद्र, चंद्र भी इंद्र है, चंद्र इंद्र है, और इसीलिए वो इंद्र होने के कारण ही उसको शुभ कहा गया है। सूर्य की प्रभा, सूर्य की कांति, उसकी तेजोलेश्या वो भी बहुत ही शुभ और बहुत ही प्रशस्त है। समझिएगा, ये बिल्कुल न्यूट्रल है, हम न्यूट्रल बोल सकते हैं। अब थोड़ा कुंडली फलादेश की बात आएगी। देखिए, सूर्य शुभ है, उसकी किरण अच्छी है, समस्त लोक के लिए शुभ है, भगवान ने कह दिया है, वो प्रशस्त है। अगर सूर्य नहीं आएगा तो दिन होगा ही नहीं, अंधेरा ही अंधेरा होगा, क्योंकि ये प्रकाश देने वाला विमान ही सूर्य का। अगर सूर्य नहीं आएगा तो सूर्य का विमान नहीं होगा, समझ लीजिए, तो उद्योत होगा ही नहीं, लोक में प्रकाश होगा ही नहीं। अब प्रकाश नहीं होगा, अंधेरा होगा, तो जीव जिएंगे कैसे, है ना? फलादेश में खास कहा गया है कि जीव सृष्टि के लिए सूर्य, सूर्य सूर्य जीव सृष्टि का कारक है, उपकारक है, बराबर, इसीलिए सूर्य को शुभ माना है, उसकी लेशिया को शुभ और प्रशस्त माना है, उसकी कांति को भी शुभ प्रशस्त माना, उसकी प्रभा को भी शुभ और प्रशस्त माना। ये अलग बात है कि प्रत्येक जीव को अपने अपने कर्म के अनुसार सूर्य का फल मिलेगा। सूर्य तो शुभ ही है, उसकी प्रभा, आभा, प्रकाश, कांति, तेजो, लेशिया सब शुभ है, लेकिन मान लो कि मेरे लिए मेरे कर्म अशुभ होंगे, मैं तो वो ही कर्म की लेशिया, उसका ये ताप मेरे लिए अशुभ हो जाएगा, और किसी और के लिए, व्यक्ति के लिए अगर वो शुभ होगा तो उसके शरीर, उसकी हड्डियों के लिए वो शुभ हो जाएगा। एग्जाम्पल में हम लेंगे पक्षियों को,
जैसे कि घुवड़ और चामाचिड़िया, वो दोनों को सूर्य का प्रकाश आते ही उनकी आंखें चुंधिया जाती है, बंद हो जाती, उनको कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो लोग चुप होकर बैठ जाएंगे, उल्लू और चामाचिड़िया, क्योंकि उनको दिखेगा ही नहीं। और जब सूर्य चला जाएगा, रात का अंधेरा हो जाएगा, तब वो बिल्कुल आजाद हो जाएंगे, आजाद बन के घूमेंगे, खुश होके घूमेंगे, चिल्लाएंगे, है ना। उल्लू रात को ही बोलता है, चामाचिड़िया रात को ही उड़ता है इधर उधर, दिन में वो एक जगह दबक के बैठ जाते, तो उन लोगों को सूर्य अच्छा नहीं है, बराबर। तो इस प्रकार से सूर्य किसी किसी जीव को उसके कर्मवश शुभ भी होगा और कर्मवश अशुभ भी होगा, लेकिन खुद सूर्य, उसका प्रकाश, उसकी प्रभा, उसकी कांति, उसकी तेजोनिश, ऐसे ही चंद्र, उसकी भी प्रभा आभा प्रकाश, उसकी भी शीतलेश, चंद्र में शीतलेश है, वो सब शुभ शुभ और शुभ ही है, ठीक है, क्योंकि सूर्य चंद्र इंद्र है, इसीलिए। तो परमात्मा ने ऐसा जवाब दिया। अब आगे श्रवण निर्ग्रंथ आर्य के रूप में पाप कर्म से रहित होकर विचरते हैं, जो भी श्रवण निर्ग्रंथ है वो आर्य आर्य है, आर्य जो मध्य 8 प्रकार के आर्य है, और आर्य संस्कृति और आर्य देश से ही जीव मुक्त जा सकते हैं, तो उनको भी आर्य कहा जाता है, जो मोक्ष जाने लायक है, जो मोक्ष जा सकते हैं, ऐसे जीवों को भी आर्य कहा जाएगा। तो आर्य होकर विचर रहे हैं, वो किसकी तेजोलेश्या का उल्लंघन करते हैं, किसके सुख का उल्लंघन करते हैं, जो आर्य बनकर घूम रहे हैं उनका भवंतर क्या है, बराबर, उनका सुख किससे अधिक है, मतलब वो उनका जो ऐसे ही विचरने वाले श्रवण भी किससे अधिक सुखी है, ठीक है। तो परमात्मा कह रहे हैं, एक मास की दीक्षा पर्याय वाला श्रवण निर्ग्रंथ, 1 महीने की अगर दीक्षा होगी, वो जीव वाण्यंतर देवों की तेजोलेश्या, उसके सुख का, वाण्यंतर देवों की जो सुख लेश्या है उसका उल्लंघन करते हैं, उससे अधिक सुखी। 2 मास की दीक्षा वाला श्रवण चमरेंद्र और बलिंद्र के अलावा अन्य भवनवासी देवों से भी अधिक सुखी। 3 मास की दीक्षा पर्याय वाला श्रवण निग्रंथ असुर कुमार देवों से ज्यादा सुखी। 4 महीने की दीक्षा पर्याय वाला श्रवण निग्रंथ ग्रह गण नक्षत्र तारा रूप ज्योतिष देवों से भी अधिक सुखी। 5 महीने वाली दीक्षा पर्याय वाला श्रवण निग्रंथ ज्योतिष योग के राजा, ज्योतिषियों के इंद्र चंद्र और सूर्य के सुखों का उल्लंघन करते हैं, मतलब उससे ज्यादा सुखी। 6 मास की दीक्षा पर्याय वाला श्रवण निग्रह सौधर्म और ईशान वासी देवों से भी ज्यादा सुखी। 8 महीने की दीक्षा पर्याय वाला श्रवण निग्रह ब्रह्म और लांतक देव विमान वासी देवों के सुख का भी उल्लंघन कर लेता है। 9 मास की दीक्षा पर्याय वाला श्रवण निग्रह महा शुक्र और सहस्त्रार देवों की सुख, देवलोक के सुखों का उल्लंघन करता है। 10 महीने की दीक्षा पर्याय वाला श्रवण निग्रह जो आणत प्राणत अच्युत आरत, ऐसे जो 9 10 11 12 देवलोक है उनके सुखों का उल्लंघन करते हैं। 11 मास की दीक्षा पर्याय वाला श्रवण निग्रह से 9 ग्रहवे के सुखों का उल्लंघन करते हैं, और 12 महीना अगर हो गया, 1 वर्ष हो गया, तो ऐसे दीक्षा पर्याय वाला श्रवण निग्रह अनुत्तर में जो उत्पात होते हैं, ऐसे देवों का सुखों का भी उल्लंघन करते हैं, मतलब ये जो जो कंपैरिजन, वो उन सबसे वो ज्यादा सुखी होते हैं, और इतना सुख, ज्यादा सुखी होकर वो शुद्ध होते रहते हैं, शुद्धतर परिणाम वाले होते हैं, और ऐसे होकर वो सिद्ध हो जाते हैं और सर्व दुखों का अंत करते हैं। तो ये देवलोकों के सुखों के सामने श्रवण निग्रह का सुख अतिशय ज्यादा रुद्धिदायक मोक्षदायक माना गया है, बराबर। श्रवण निग्रह का सुख ये देवलोकों की सुखों की तुलना में महत्ता प्रदर्शन बता रहा है। सच में श्रवणों का आत्मिक सुख अनुपमेय है, बराबर। अणगार संयम पर्याय का पालन करते हुए देवों के सुख का पार पाकर आगे बढ़ जाते हैं, इसीलिए
वाणवेंद्र आदि देवों का पौद्गलिक सुखों की अपेक्षा से 1 मास और 2 मास आदि दीक्षा पर्याय वाले श्रमण का आनंद आत्मिक सुखजनक होने से बढ़ जाता है, क्योंकि आत्मा का सुख बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से वो देवों से ज्यादा अधिक तुलना में हो गए। आओ, जब परिणामों की तीव्रतम विशुद्धि हो तब श्रवण निग्रंथ एक अंतर मुहूर्त में भी मुक्त हो जाता है। और श्रवण निग्रंथ क्या, संसारी जीव श्रावक श्रावी का भी मुहूर्त मुक्त हो जाता है। जैसे मरुदेवा माता हुए, जैसे पहले विजय राजा और बहुत सारे हो गए, श्रावकों की बात हो गई है बराबर, वो भी केवली हो जाते। भरत राजा भी केवली हो गए थे श्रावकपणा में। और कुछ श्रवण निग्रंथ जैसे गजब सुकुमार अणगार, फिर मरुदेवा माता आदि एक अंतर मुहूर्त में मुक्त हो गए हैं। तो परिणाम की तीव्रता बहुत जरूरी होती है। अब आ गया है शतक 14वां, उद्देशक 10वां, केवली। केवली भगवान की बात की है। केवल ज्ञानी छद्मस्थ को जान भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। केवल ज्ञानी छद्मस्थ को ही नहीं, मगर संपूर्ण संसार के सर्व लोक के सर्व जीवों के पर्याय को वो जान सकते हैं। और खाल मात्र केवल ज्ञानी नहीं, सिद्ध भगवंत भी समग्र संसारी जीवों के सर्व पर्यायों को जान सकते हैं, देख सकते हैं। केवल ज्ञानी आधोवधिक, यानी कि जो प्रतिनियत क्षेत्र विषय का अधिक ज्ञानी है उनको भी जान सकते हैं, देख सकते हैं। जो प्रति विषय या क्षेत्र, मतलब प्रतिनियत क्षेत्र, कुछ कुछ क्षेत्रों को देखने वाला अवधि ज्ञानी, उसको भी केवल ज्ञानी जान सकते देख सकते। केवल ज्ञानी सिद्ध को भी जान सकते हैं, देख सकते बराबर। केवल ज्ञानी बोलते हैं और प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं, उनको पूछे गए सारे प्रश्नों का वो उत्तर देते हैं। परंतु सिद्ध भगवंत प्रश्नों के उत्तर नहीं देते हैं, बोलते भी नहीं है और प्रश्नों के उत्तर भी नहीं देते हैं। तो उसका कारण पूछा है, ऐसा क्यों भगवान, ऐसा क्यों? केवली बोल सकते हैं और सिद्ध क्यों नहीं बोल सकते? अब दोनों केवल ज्ञानी दोनों सब पर्याय को जानते हैं, लेकिन केवली बोल सकते हैं, सिद्ध नहीं बोल सकते, ऐसा क्यों? तो केवल ज्ञानी उत्थान कर्म बल वीर्य और पुरुषकार पराक्रम सहित है, क्योंकि उनके पास अभी भी शरीर है, पौद्गल शरीर, पौद्गलिक शरीर, इसलिए पौद्गलिक शब्द को वो बोल सकते हैं। परंतु सिद्ध उत्थान रहित हो चुके हैं, कर्म बल वीर्य और पुरुषकार पराक्रम से रहित हो चुके हैं, उनके पास शरीर नहीं है, तो ना शब्द है, ना बोलने की शक्ति है, ना बोल सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। शरीर होगा तो ही बोल पाएंगे, बोलने के लिए भी शरीर चाहिए, आप सोच लो। इसीलिए वो बोलते भी नहीं है और किसी का भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देते। हाँ, लेकिन वो देखते हैं सब, जानते देखते सब। केवल ज्ञानी अपनी आंखों को खोलते बंद करते हैं, बोले छे उत्तर आपे छे, ले बोल सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं, आंखों को खोलते हैं बंद करते हैं सब कुछ बराबर। शरीर को संकुचित भी करते हैं, प्रसारित भी करते हैं, खड़े भी रहते हैं, सो भी जाते हैं, इत्यादि क्रिया भी केवल ज्ञानी सब कुछ कर सकते हैं, मगर सिद्ध भगवान नहीं। केवल ज्ञानी रत्न प्रभा पृथ्वी को, ये रत्न प्रभा पृथ्वी है ऐसा जानते हैं, देखते हैं और आपको उत्तर भी देंगे, लेकिन सिद्ध भगवान जानेंगे देखेंगे लेकिन उत्तर नहीं दे पाएंगे। हाँ, तो रत्न प्रभा से लेके शर्करा प्रभा, पूरे विमानिको वैमानिक सब ईषद प्राग भारत पृथ्वी, उस पर बैठे हुए सिद्ध भगवान केवल ज्ञानी सब कुछ देख सकते हैं, जान सकते हैं, आपको जवाब भी दे सकते हैं। आओ,
नहीं, परमाणु पुद्गल को भी, ये परमाणु है और पुद्गल है, ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म को भी वो देख सकते हैं, द्विप्रदेशी को भी वो देख सकते हैं, अनंत प्रदेशी को भी वो देख सकते हैं। आओ, तो यहाँ केवल ज्ञानी और सिद्ध की समानता की है, उसमें योग जन्य क्रियाओं में ही भिन्नता है, क्योंकि मनोयोग, वचन योग, काय योग, योग शरीर जो हमारा है, भौगोलिक शरीर, वो केवल ज्ञानी को मिला है, इसलिए वो सोचते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, जवाब देते हैं, खड़े रहते हैं, सोते, सब कुछ। लेकिन सिद्ध भगवान को ये मन, वचन, काया योग ही नहीं है, इसलिए ना ही वो बोल पाएंगे और ना ही वो किसी को कुछ समझा पाएंगे, मगर वो जानते हैं, देखते हैं सब कुछ, क्योंकि वो आत्मा से देखते हैं। इसीलिए चार घाती कर्म का केवल ज्ञानी को क्षय होता है, जबकि सिद्ध भगवान को आठों कर्म का क्षय हो चुका है। बराबर। अब ये दोनों होने पर भी दोनों का केवल ज्ञान और केवल दर्शन तो समान ही होता है, और केवली को अघाती कर्मों के उदय अभी बाकी है, इसीलिए वो सहयोगी है, और सहयोगी है इसीलिए वो बोल सकते हैं, जान सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। आँख खोलना, बंद करना, ये सब सहयोगी क्रिया में शक्य है। सिद्ध भगवान अयोगी है, उनको तो ये आठों कर्म का क्षय हो चुका है, अघाती का भी उदय उनको नहीं है, इसीलिए अघाती कर्म ना होने के कारण योग जन्य कोई भी क्रिया वो नहीं कर सकते, इसलिए इसी प्रकार में दोनों में भिन्नता आएगी। बराबर। आपको समझ में हो गया होगा कि कैसे दोनों में समानता हुई। केवल ज्ञानी को भवस्थ केवली कहा जाता है, और सिद्ध भगवंत को सिद्ध और केवली नहीं कहा जाता, उनको सिद्ध हो चुके, केवल ज्ञान तो है ही, पर अब वो सिद्ध हो चुके। आइए, अब आगे के जो चैप्टर है पूरा वो गोशालक के ऊपर है, उसको मैं नए वीडियो में ले रही हूँ, क्योंकि गोशालक का जो गृहस्थ जीवन है, उसकी पूरी कहानी है, पूरी स्टोरी है, वो पूरा लाइन से एक ही वीडियो में आ जाएगा इस कारण। ठीक है।